हेलो एवरीवन, मेरा आज का टॉपिक है पतले झड़ते हुए बाल, जिसका इशू बहुत सारे लोगों को होता है। और इसके साथ साथ बहुत से लोग ये कमेंट भी करते हैं कि दीदी, हमारे बालों की लेंथ बिल्कुल इंक्रीज नहीं होती, चाहे हम जो मर्जी इस्तेमाल कर लें। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए इफ़ेक्टिव हो सकती है जिनको बालों को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो फॉर्मूला मैं आपको बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत यूज़फुल साबित हो सकता है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आजकल के दौर में खूबसूरत बाल खूबसूरती की निशानी समझे जाते हैं, लेकिन अगर बाल हर वक्त गिरते रहते हों तो आप खुद भी परेशान होते हैं और साथ ही आपकी सारी खूबसूरती को ग्रहण लग जाता है। बहुत ही काम की बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव साबित हो सकती हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। अगर आप इसे फॉलो कर लेंगे तो 20 दिन में ही आपके बालों की लेंथ 1 इंच तक इंक्रीज हो जाएगी। इस फॉर्मूले को यूज़ करोगे तो आप मेरा यकीन माने, आपके जितने भी हेयर से रिलेटेड इशू हैं वो सारे कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आइए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी जरूर करना, नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर प्रेस करना। सबसे पहले आप एक पैन लें और गैस ऑन कर लें। इस पैन में 1 गिलास पानी का डालें, आप इसमें नॉर्मल पानी डालें। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून चाय पत्ती के डालेंगे। चाय पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच आंवला पाउडर। मैंने आंवला पाउडर बनाने की वीडियो दिखा रखी है, आप घर पर ही आंवला पाउडर बना सकते हो। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे रीठे, आपको 2 से 3 रीठे इस तरह से फोड़ लेने हैं और इसकी गिटक निकाल लेनी है और इन रीठों के छिलके को इसमें ऐड कर देना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपको रीठे कहाँ से मिलेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किसी भी पंसार की दुकान से रीठे आराम से मिल जाएंगे। अब आप इस पानी को अच्छे से मिक्स कर दें और इसे एक उबाल आने के बाद बिल्कुल स्लो कर दें और 7 से 8 मिनट तक इसे इसी तरह पकने दें, ताकि जो हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए हैं वो सारे इंग्रेडिएंट की गुडनेस इस पानी में चली जाए। आप इसे ऐसे स्लो कर 7 से 8 मिनट तक ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दें। जब जब पानी ठंडा हो जाए तो इसे किसी गिलास में जब स्प्रे बोतल में ट्रांसफ़र कर लें। देखो, हमारा अमेजिंग फॉर्मूला अब ठंडा हो चुका है। अब हम इसे किसी छन्नी की मदद से इसे छान लेंगे और इसका पानी अलग कर लेंगे और जो वेस्टेज है उसे अलग कर लेंगे। अब आप इस पानी को किसी स्प्रे बोतल में ट्रांसफ़र कर लें और मैं अब आपको बताती हूँ कि आपने इसे यूज़ कैसे करना है। आपने इसे वीक में 2 से 3 बार यूज़ करना है। जब भी आपने अपने हेयर वॉश करने हैं उससे पहले इस तरह अपने सारे बालों पर इसे स्प्रे कर लें और 5 से 10 मिनट तक इसकी हल्के हाथों से मसाज करें। ये पानी आपके पतले झड़ते बालों को कंट्रोल करेगा, आपके बालों में जो वाइट हेयर हो रहे हैं उसे रोकेगा, आपके बालों की लेंथ को इंक्रीज करेगा और आपके बालों को काला करने में आपकी हेल्प करेगा। इस फॉर्मूले को आपके सारे घर वाले यूज़ कर सकते हैं, जिसको भी हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी फेसबुक और वेबसाइट को ज़रूर फॉलो करें।